हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस सेक्शन और हमारा बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। इसमें हम फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और सभी लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया है, आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आज के सेशन में नंबर फॉर्मेटिंग के बारे में। कल हमने आपके सामने फॉन्ट और अलाइनमेंट के बारे में समझाया था, अब हम बात करते हैं नंबर की फॉर्मेटिंग। नंबर की फॉर्मेटिंग क्या है? देखिए, जैसे कि हमने कुछ नंबर लिखा तो ये डिफॉल्ट जनरल फॉर्मेट में होता है, लेकिन कई कई बार हमें क्या होता है कि इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट करना होता है, इसे अपने हिसाब से फॉर्मेट करना होता है। तो कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, चलिए इसी बारे में आज की क्लासेस में समझा रहा हूँ आपको। तो नॉर्मली फॉर्मेट तो यहाँ है, जैसे कि यहाँ पे आप जनरल के जगह पे जनरल के जगह पे और जो चीज़ें हैं जैसे कि नंबर फॉर्मेट में डालना, करेंसी में डालना, ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा। उसके अलावा इसको डॉलर में लगाना है तो डॉलर में आ जाएगा, डॉलर के जगह पे जो करेंसी आपको चाहिए वो करेंसी आप यहाँ से ले सकते हैं, जो डिफ़ॉल्ट करेंसी होता है। उसके अलावा बाकी करेंसी आपको मोड अकाउंटिंग फॉर्मेट में मिल जाएगा। परसेंटेज में यहाँ से परसेंटेज कर सकते हैं, यहाँ से डेसिमल आप से कॉमा सेपरेटर लगा सकते हैं और यहाँ से डेसिमल को कम, डेसिमल प्लेसेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है, लेकिन अगर आपको सही से फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ इस पर क्लिक कीजिए, आप चले आएंगे नंबर फॉर्मेट में, या फिर राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो आपका सबसे पहला सेक्शन नंबर नंबर होगा। इसमें आपको सारे फॉर्मेट अलग अलग कैटेगरी है, जैसे जनरल जो डिफॉल्ट जनरल होता है, उसके अलावा यहां आपके सामने करेंसी है। करेंसी में क्या है कि एक तो यहां आप अपनी करेंसी चूज कर सकते हैं, जैसे मेरा रुपीज है, रुपीज आपको करना है तो यहां देखिए हिंदी सॉरी रुपीज का सिंबल आएगा, आपको देखना पड़ेगा। और रुपीज का सिंबल जो है वो आपका 2008 और 10 में मिलेगा विंडो, क्योंकि विंडो का पार्ट होता है। ये रहा इंग्लिश इंडिया, बंगाली इंडिया, हिंदी, कई सारे फॉर्मेट है जो आपको है सुटेबल, आप इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करके ओके कर दें, ये आपका रुपीज का फॉर्मेट आ जाएगा। और इसमें ही आगे आपको यहाँ दिख रहे हैं यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है, इसे डेसिमल प्लेसेस आपको बढ़ाना है या आपको नहीं रखना है तो जीरो कर दीजिए, आपका डेसिमल प्लेसेस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप जैसे आपका देखिए यहाँ पे कि आपका नेगेटिव में क्या होना चाहिए, सेम यहाँ आपका इसमें भी है, नंबर फॉर्मेट में भी है डेसिमल प्लेसेस और यहाँ नेगेटिव, मतलब कि नेगेटिव में क्या रखना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी जो फिलहाल सिलेक्ट है वो माइनस, क्योंकि माइनस ही शो करेगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो आपका माइनस ही शो करेगा। तो अगर मैं इसको रेड वाले को सिलेक्ट कर दूं तो आपका कलर रेड हो जाएगा, अगर माइनस में लिखेंगे तो आपका कलर रेड हो जाएगा, बट एक्चुअल में रहेगा माइनस ही, लेकिन दिखावा में कलर रेड हो जाएगा और माइनस का सिंबल हट जाएगा। और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा, और इसको नीचे वाले इसको सिलेक्ट करेंगे तो ब्रैकेट और रेड दोनों हो जाएगा। हालांकि इंडिया में इसका यूज नहीं होता, ये यूके का फॉर्मेट है, इंडिया में नॉर्मल माइनस ही होता है। और करेंसी में भी आप करेंसी का सिंबल अपने हिसाब से दे सकते हैं, अगर करेंसी का सिंबल नहीं दिए तो यहाँ पे करेंसी का कोड होता है, जैसे INR, मैंने INR यहाँ पे लिखा, यहाँ पे INR आ गया, ड्रॉप डाउन हो गया,
आप इसको INR भी सिलेक्ट कर सकते हैं, USD INR ऐसे करेंसी कोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको करेंसी कोड के साथ दिखेगा। अब यहाँ पे अगला जो कैटेगरी हमारा है अकाउंटिंग का है, उसमें सिर्फ करेंसी का कोड दिखता है या फिर करेंसी का सिंबल दिखता है और डेसिमल प्लेसेस। लेकिन इसका यूज हम लोग करते थे अपने एक रिपोर्ट में, कहा था कि हमारे पास एक डेटा होता करता था और डेटा में कुछ जीरो पॉइंट्स होते थे। जैसे मैं एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ आपके लिए, और इसमें हमने यहाँ पे जीरो दे दिए, यहाँ जीरो दे दिया। अब जहां जहां जीरो है मुझे ढूंढना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करते थे कि इसको सेलेक्ट करते थे और यहाँ अकाउंटिंग में सिंबल में नन कर देते थे। डेसिमल हटा देता हूँ मैं, तो डेसिमल प्लेसेस को मैंने हटा दिया और ये सैंपल को हमने नन सेलेक्ट कर दिया। नन करने पे क्या हो गया कि जो आपका जीरो है और डैश विजिबल हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग आप लगाते हैं तो विजिबल को चेंज करता है, मतलब कि उसकी दिखावे को चेंज करता है। ठीक है, तो ये जीरो को डैश यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, आपको शो कर रहा है, बट एक्चुअल यहाँ देखिए जीरो ही है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि फॉर्मूला बार में एक्चुअल दिखता है कि आखिर है क्या, सामने रिजल्ट तो कैलकुलेट है या फिर विजुअल है, एक्चुअल आपको फॉर्मूला बार में दिखता है। ये हमारा, तो सुरेंद्र जी नंबर करेंसी और अकाउंटिंग तीनों समझ में आ गया? हाँ जी तीनों आ गया। ओके, आप बात करते डेट की। अब जैसे एक्सेल में आप डेट लिखते हैं तो डेट लिखने का तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले आप देखिए आपका सिस्टम का फॉर्मेट क्या है। ये क्या है 4/30/2020, मतलब कि ये है हमारा MMDDYY, मतलब कि मुझे इसमें अगर डेट डालना है तो मुझे 4/30 डालना होगा, या फिर मान लीजिए 5 मई, मान लीजिए 15 मई लिए डालना है तो 5/15 डालना है, समझे। अब यहाँ पर मैं ईयर नहीं डालना, तो डेट टाइप करते समय अगर करेंट ईयर का डेट है तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस या फ्यूचर ईयर है तो डालना पड़ेगा। ओके, तो डेट डालते हैं आपका इस तरह का फॉर्मेट आता है। दूसरी चीज कंफ्यूजन होती है डेट में कि भाई MM हम लोगों का जनरली लिखने का अर्थ क्या होता है, DDMMYY। अगर डेट लिखेंगे आप कहीं भी डेट लिखेंगे तो इस फॉर्मेट में तो नहीं लिखेंगे ना सर, आप 30/4/2020 लिखेंगे, तो जनरली ऐसे ही लिखने की एक्सेल में आदत हो जाती है। तो उसका अच्छा आसान तरीका है कि आप इसे 15 यहाँ पे मई डाल दीजिए इस तरह से, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन डिफॉल्ट फॉर्मेट में। तो कंट्रोल शिफ्ट हैश एक शॉर्टकट होता है जिसको इस तरह के डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, कंट्रोल शिफ्ट हैश की का हैश। लेकिन मुझे इसके अलावा और कोई डेट का फॉर्मेट चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट चाहिए, तो मैं यहां नंबर में आता हूं और नंबर में यहां हम डेट पे चले जाते हैं। डेट में यहां पे देखिए अपने हिसाब से फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट आपको अच्छा लगता है इसको ड्रॉप डाउन कीजिए, सारे फॉर्मेट है जो आपकी रिक्वायरमेंट को फिट बैठता है उसको आप सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। ये सारे फॉर्मेट है और ये तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट के, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है, ये अलग अलग कंट्रीज है उस किसके हिसाब से, जैसे इंग्लिश इंडिया ले लीजिए तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्मेट आएगा। मैं यहाँ पे हिंदी कर दिया, हिंदी भी होता इसमें, तो आपका इस तरह का फॉर्मेट आएगा, लिख रहा है हिंदी का सर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डेट का फॉर्मेट कैसा रखेंगे, तो डेट होता है। उसी तरह से टाइम, टाइम लिखने का तरीका क्या है एक्सेल में, तो टाइम से अभी का टाइम लिखना है मुझे तो मैं 6:26 और फिर AM PM लिखना पड़ेगा, नहीं तो मॉर्निंग ले लेगा भाई डिफॉल्ट। AM PM में कन्फ्यूजन होती है तो इसको 24 आवर में लिख दीजिए कि 18:26। और अब ये आ गया इसमें, अब इसको अपनी फॉर्मेट चाहिए,
तो टाइम के लिए फॉर्मेट होता है कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट करते हैं तो इस तरह के टाइम फॉर्मेट में आ जाता है कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट। लेकिन आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में चाहिए तो आप यहाँ टाइम पे चले जाएं, टाइम, और ये आपके टाइम के फॉर्मेट है कि आपको एम पी एम चाहिए या इस तरह से डेट चाहिए या इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, और इसके भी अलग अलग कंट्री का फॉर्मेट है, जो आपको अच्छा लगे वो यूज करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है हम लोग किसी का डिफरेंस निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने आपने फैक्ट्री का आपने वर्कर का ओवर टाइम निकाला कि ओवर टाइम में आपने दे दिया कि 300 घंटे 20 मिनट 33 सेकेंड। अब गलती से इसके ऊपर जनरल फॉर्मेट हो गया तो 12 पॉइंट इस तरह दिखेगा। एक्सेल में क्या होता है कि 24 घंटे इक्वल टू 1 डे, समझे, 24 घंटे इक्वल टू आपका 1 डे होता है। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे 24 बज के ए डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ए आप ऊपर देखेंगे फॉर्मूला बार में ए आपका एक दिन आ गया। अगर मैं इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो जैसे मैं 300 घंटे डाला तो 300 को 24 से डिवाइड करके दिन डाल दिया, उसके बाद जो पॉइंट में बचे वो आपका टाइम हो गया। क्योंकि जब भी हम डेट एंड टाइम इकट्ठा लिखते हैं, जैसे कि मैं नाव का फॉर्मूला लगा दिया, नाव का फॉर्मूला होता है क्योंकि करेंट सिस्टम डेट टाइम दिखता है, तो ये आपको डेट एंड टाइम दिख रहा है। लेकिन जब इसको जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो जो नंबर्स हैं वो डेट है और जो पॉइंट में है वो टाइम है। तो इस तरह से डेट टाइम को डिफाइन किया है कि जैसे वो 24 घंटा होगा वो 1 हो जाएगा, इस तरह से कंट्रीब्यूट किया गया। हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट में कैसे करें। तो यहाँ पे अगर टाइम में जाते हैं, इस तरह के फॉर्मेटिंग लेते हैं, तो यहाँ देखिए ये आपको 24 घंटे से ऊपर का फॉर्मेट नहीं दिखाएगा, वो दिन को स्किप कर देगा और सिर्फ 12 को स्किप कर देगा, सिर्फ जो 5-1 लिखा हुआ है वही दिखाएगा। लेकिन सबसे नीचे यहाँ देख रहे हैं 37, 30 and 55, अगर ये फॉर्मेट देते हैं तो आपको एग्जैक्ट जो फॉर्मेट आप चाहते हैं उस तरह का दिखेगा। तो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है। तो सुरेंद्र जी, डेट एंड टाइम में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं परसेंटेज का। परसेंटेज हुए यहाँ पे भी वही परसेंटेज जो यहाँ पे परसेंटेज है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि अगर 50% आपने लिखा हुआ है, लेकिन गलती से क्या हुआ कि ये जनरल फॉर्मेट में चला गया तो सारा फॉर्मेट हट गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, हालांकि इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, वो आ जाएगा। बट यहाँ परसेंटेज में ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पास परसेंटेज लगाते समय कितना डेसिमल पहले से होगा, आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब फ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे कि 2.5 हमने लिखा, अब मुझे इसको ऐसे ही लिखना है, मुझे लिखना है 2.1.2 इस तरह से, 2.5 हो गया। तो इस तरह करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए हाफ लेबल है, इस हाफ लेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, तो 1.5 हो गया। अब लगे से ये हाफ लेबल के अलावा और भी तो है, उसी तरह आप जैसे 1/4 सेलेक्ट करेंगे तो आपको 1/4 का दिखेगा, आप सिलेक्ट करेंगे ये तो इस तरह से दिखेगा। तो अलग अलग है पॉइंट डेसिमल प्लेसेस, उसी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर देता है। साइंटिफिक में कोई खास नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। टेक्स्ट, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मुझे एक कॉलन है, मुझे इसमें चेक नंबर एंट्री करने के लिए बोला गया है, तो चेक नंबर में जनरली नॉर्मल चेक नंबर तो होता है, लेकिन जनरली चेक नंबर में क्या होता है कि 0 होता है स्टार्टिंग में। जैसे कि हालांकि मैं चेक तो बहुत कम ही यूज करता हूँ, लेकिन मुझसे चेक नंबर मुझे मिला है कि ये 0 0 और इस तरह से होते हैं। लेकिन क्या होता है कि 0 जैसे एंटर प्रेस करेंगे 0 गायब हो जाएगा, क्योंकि नंबर फॉर्मेट में 0 नहीं लगा सकते। तो यहां पे आपको क्या करना होगा,
सॉरी माफ कीजिएगा, तो इसमें क्या करें, तो इसमें एक उपाय है कि सिंगल कोड लगाइए और 0000 प्रेस करके फिर नंबर दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि मुझे इस पूरे कॉलम में एंट्री करना है, तो क्या हर कॉलम में मुझे सिंगल कोड लगाना पड़ेगा? नहीं, नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हमने इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल में नंबर में जाके इसको हमने टेक्स्ट कर दिया, अगर टेक्स्ट कर दिया तो हमें एक एक करके सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो भी एंट्री होगा और टेक्स्ट फॉर्मेट में ही होगा, यहाँ तक कि अगर मैं कोई फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो वो अप्लाई तो हो जाएगा बट परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो टेक्स्ट का यूज इसी चीज़ के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी इस एक्शन में क्या है कि आप 12 डिजिट से ज़्यादा लिखेंगे तो साइंटिफिक फॉर्मेट में हो जाता है, और 15 डिजिट से ज़्यादा अगर लिखते हैं तो आगे वो जीरो लगा देता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इसमें ऊपर, ये तो विजुअल है, ऊपर ओरिजिनल है। देखिए 15 डिजिट से जैसे ज़्यादा डिजिट था उन्हें उसको जीरो लगा दिया। अब 19 डिजिट का, 21 डिजिट का ऐसे कोड होते हैं या फिर कार्ड नंबर होता है, दिक्कत होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट सेल में जाके टेक्स्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है कि अब इसमें मैं जितना मर्जी उतना लिख सकता हूँ, नॉर्मल दिखेगा सर। तो ये टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो सुरेंद्र जी टेक्स्ट समझ में आ गया आपको? हाँ जी आ गया। कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं, तो कोई डाउट। एक बार देख लेता हूँ। अब ये स्पेशल जो इंडिया में यूज नहीं होता, यूके वगैरह में यूज होता है जिप कोड, क्योंकि इंडिया का जिप कोड अलग है, यूके का जिप कोड अलग है। ऐसे फोन नंबर भी इंडिया का अलग है और यूके यूएसए का अलग है, तो ये इंडिया में यूज नहीं होता है। कस्टम की बात करें तो कस्टम में आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसमें भी अभी रुक जाइए इसके बारे में, आगे पहले देख लेते हैं, ऊपर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जनरल पढ़ाया कि नॉर्मल को, एक्सेल को बिना किसी फॉर्मेटिंग के नॉर्मल जनरल फॉर्मेट में, नंबर नंबर में होता है यहाँ से डेसिमल प्लेसेस, यहाँ से थाउजेंड सेपरेटर्स, और यहाँ पे निगेटिव का सिलेक्ट कर से निगेटिव में कैसा दिखे। करेंसी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ करेंसी का सिंबल ले सकते हैं और निगेटिव में क्या नंबर वो सिलेक्ट कर सकते हैं, डेसिमल प्लेसेस डाल सकते हैं। अकाउंटिंग में यहाँ अगर नन करते हैं, सिर्फ अकाउंटिंग में क्या है कि सिर्फ इसमें सिंबल या फिर करेंसी कोड दे सकते हैं, या नन कर देंगे तो जीरो हो जाए, जीरो डैश हो जाता है। डेट अपने हिसाब से डेट का फॉर्मेट ले सकते हैं और यहाँ से कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसी टाइम में भी ऐसी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपका टाइम 24 आवर्स से ऊपर का है तो उसमें आप नीचे वाला 37, 30, 55 टाइम लीजिए, सही रहेगा। परसेंटेज परसेंटेज में कन्वर्ट करता है, फ्रैक्शन इस तरह से डेसिमल प्लेस जैसे 1.2, 2.2 इस तरह से दे सकता है। टेक्स्ट जो है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये सारे क्लियर हो गए। अब अगला आता है कस्टम फॉर्मेटिंग। अब कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा एडवांस पार्ट है। ठीक है, अब एडवांस पार्ट है। तो उसके लिए डायरेक्ट पढ़ना सही नहीं रहेगा, तो अभी बाकी चीजों पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और साथ में मैं अभी आपको YouTube का लिंक देता हूं। एक पुरानी किसी क्लास का जिसमें मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ा रखा है, तो एक बार उसको देख लीजिए, फिर हम कल की क्लास में कंडीशन कस्टम फॉर्मेटिंग को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा इम्पोर्टेंट, अब इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आगे चल के अगर वीडियो प्रोग्रामिंग वगैरह सीखेंगे आप तो उसमें भी काम आता है, और अगर बहुत जगहों पे काम आता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये एडवांस है और समझने में थोड़ी सी टाइम लग सकती है, खासकर सुरेंद्र जी आपको। ये तो टाइम फॉर्मेट है ना सर? नहीं नहीं, टाइम फॉर्मेट था, इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मेट हैं, आप खुद के फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ओके, इसमें आप खुद के फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं भेज दे रहा हूँ।
अब इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है ठीक है। और आपको भी स्काइप कर देता हूँ, आप व्हाट्सएप यूज नहीं करते क्या धुरंधर जी? हेलो हेलो, आप स्काइप यूज नहीं करते क्या? सॉरी व्हाट्सएप, व्हाट्सएप आया। तो एक बार मुझे हाई लिख के भेजिए ना, मैं ग्रुप, एक ग्रुप आप तीनों आदमी का ग्रुप बना देता हूँ। ठीक है सर, ठीक है ना, मुझे हाई लिख के भेजिए मेरे नंबर पे। ये नंबर है, नोट कर लीजिए। आपका नंबर है सर व्हाट्सएप का? हाँ, नंबर तो दोनों व्हाट्सएप पे है, लेकिन एक तो इंक्वायरी के लिए होता है, एक क्लास के लिए होता है। इंक्वायरी वाला भी क्लास दोनों मिक्स कर दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना, क्योंकि इंक्वायरी वाले बराबर आते होते हैं ना। दिख गया सर नंबर? हेलो, ऐसे में आपको वॉइस स्काइप भी कर देता हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ठीक है सर, ओके बाय। ओके सर, बाय बाय।